वन फ्रॉम टूडे वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग सिलेबस अकाउंट एंड द नेम ऑफ द बुक इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजरल डिसीजन एम कॉम का सिलेबस आज हम स्टार्ट करेंगे एंड बुक का नेम है अकाउंटिंग फॉर मैनेजरल डिसीजन लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर वन इज नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेचर एंड स्कोप के बारे में पता होना ज़रूरी है फर्स्ट क्वेश्चन अकाउंट्स का एमकोम में चैप्टर वन में से आता ही आता है जो सिक्सटीन मार्क्स का होता है और हम शॉर्ट क्वेश्चन में भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी एक से दो क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में से ज़रूर होते हैं नेचर एंड स्कोप क्या नेचर है और क्या स्कोप है वाइड स्कोप है नैरो स्कोप है वाइड मतलब बहुत बड़ा स्कोप है बहुत ज़्यादा स्कोप है नैरो मतलब छोटा स्कोप है लिमिटेड स्कोप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या स्कोप है आज हम ये स्टडी करेंगे लेट स्टार्ट इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग इज़ एन एंशियंट आर्ट एज एन ओल्ड एज मनी इट्स जो अकाउंटिंग है वो एक एंशियंट आर्ट है एंशियंट मतलब जो पुरानी ठीक है वो एज एंशियंट आर्ट है एज ओल्ड एज मनी इट्स जितनी मनी है ओल्ड उतना ही पुराना हमारा अकाउंटिंग पार्ट है हाउ एवर द रोल ऑफ अकाउंटिंग हैज बीन चेंजिंग विद द इकोनॉमिकल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स हाउ एवर द रोल ऑफ अकाउंटिंग जो रोल है अकाउंटिंग का हैज बीन चेंजिंग चेंज हो रहा है कैसे चेंज हो रहा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स के बाद जब जब इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट्स के बाद हर चीज़ में चेंज हो रहा है तो हमारी स्टडी में हो रहा है हमारे हमारे ड्रेसिंग सेंस में हो रहा है हम हम जिस तरह से रहते थे उस रहने के स्टैंडर्ड में चेंज हो रहा है तो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी चेंज हो रहा है द ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल होता है पुराना ठीक है एंशियन टाइम का द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ अकाउंटिंग एज अ हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन और फाइनेंशियल एक्टिविटी इज़ नो लोंगर अक्सेप्टेबल जो ट्रेडिशनल व्यू था अकाउंटिंग का वो एक हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन बन चुका है उसको एक हिस्ट्री एज अ हिस्ट्री अकाउंट किया जाता है उसमें फाइनेंशियल जो एक्टिविटी थी अब वो उसको अक्सेप्टेबल नहीं किया जाता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम न्यू डायमेंशंस डायमेंशंस होते दिशाएँ की जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया न्यू डायमेंशन हैव बिन एडेड टू द डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग की डिसिप्लिन में न्यू डायमेंशनस ऐड हो गई न्यू मतलब नई दिशाएं नई मतलब प्रोसेस हमारे न्यू मैथड न्यू टेक्नोलॉजी हर चीज़ ऐड हो गई अनटिल रिसेंटली अकाउंटेंट वाज रिगार्डेड मीयरली एज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फिर भी अभी भी अकाउंटिंग को कैसे ट्रीट किया जाता है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग ट्रांजेक्शन ठीक है रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना उसको क्लासीफाई करना कि ये मोनिट्री फॉर्म में है नॉन मोनिट्री फॉर्म में मॉनिट्री होता है मनी की फॉर्म में नॉन मोनिट्री होता है जो मनी की फॉर्म में नहीं होता उसको समराइज करना ट्रांजेक्शन को एंड इवेंट विच आर ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर और जो फाइनेंशियल करैक्टर के इवेंट्स होते हैं उनको समराइज करेंगे हम जो फाइनेंशियल फॉर्म में होती हैं ट्रांजेक्शन उसी को तो हम समराइज कर सकते हैं लेटर ऑन उसके बाद अकाउंटिंग वाज रिगार्डेड एज अ प्रोसेस ऑफ मतलब ये हमें स्टेप बाय स्टेप बता रहा है ट्रेडिशनल में एक हिस्टोरिक एज अ हिस्ट्री अप्रीट होता है जो फाइनेंशियल एक्टिविटी थी वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है उसके बाद न्यू डायमेंशंस आई फिर भी अकाउंटिंग को एक आर्ट ही समझा जाने लगा उसके बाद लेटर ऑन फिर उसके बाद क्या हुआ अकाउंटेड वाज रिगार्डेड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इस, इस प्रोसेस के बाद ये प्रोसेस हुआ कि अकाउंट को कैसे समझा जाने लगा द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इंफॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर ऑफ़ द इंफॉर्मेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग उसको आइडेंटिफाई करना मेजर करना कम्युनिकेट करना इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाई यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब कि हमें एक हम इंफॉर्मेशन को इस तरह से बनाते थे ताकि वो यूजर्स के लिए वैल्यूएबल बन जाए वो उसके बिहाफ पे डिसीजंस ले सके अकाउंटिंग इज़ नाउ रिगार्डेड एज अ सर्विस एक्टिविटी द फंक्शन ऑफ विच इज़ टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब अकाउंट को हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो हम यहाँ पे भी देना स्टार्ट कर गए थे लेकिन अब क्या होने लग गया है एक सर्विस एक्टिविटी हो गई है कि एक ऐसे सर्विस प्रोवाइड की जाती है कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन दी जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कि कंपनी ने के टर्नओवर क्या है किस उसके क्रेडिटर कितने हैं डेटर्स कितने हैं उसकी एसेट क्या है लाइबिलिटी क्या है ये सब चीज़ें द इंफॉर्मेशन इज़ प्राइमली फाइनेंशियल इन नेचर एंड इज़ इंटेंट टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीज़न जो ये इंफॉर्मेशन होती है वो फाइनेंशियल नेचर की होती है और इस जो हेल्पफुल होती है इकोनॉमिक डिसीज़न लेने के लिए दस अकाउंटिंग कैन बी राइटली टर्म्ड एज अ सर्विस एक्टिविटी तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है एक सर्विस एक्टिविटी और डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल डिसिप्लिन एंड अ इंफॉर्मेशन सिस्टम इसको एक डिसिप्लिन कहा जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है क्योंकि ये हमें टोटली वैल्युएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है इट इंक्लूड सेवरल ब्रांचेस फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स, अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंट्स अकेला नहीं है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है लाइक फाइनेंशियल अकाउंट कोस्ट अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंट ठीक है फाइनेंशियल अकाउंट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल एंड अदर रिपोर्ट टू टू बी यूज इंटरनली बाई मैनेजमेंट एंड एक्सटर्नली बाय इन्वेस्टर क्रेडिटर पोटेंशियल इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट एजेंसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है जिसमें हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन पता लगे कि वो लॉस में रन कर रही है प्रॉफिट में रन कर रही है और इस चार्ट को बनाया जाता है फाइनेंशियल पोजिशन कैसे पता लगता है कंपनी की ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के थ्रू उससे पता लग जाता है कि कंपनी को कंपनी लॉस में है या प्रॉफिट में है तो उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है वो इंटरनली मैनेजमेंट के लिए यूजफुल होती है और एक्सटर्नली इन्वेस्टर्स के लिए जब कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा होगा तभी इन्वेस्टर इन्वेस्ट invest करेंगे क्रेडिटर को क्रेडिटर को ये रहता है कि हमने जो पैसे कंपनी ने देने हैं वो कंपनी कब देगी क्या वो इस साउंड पोजीशन में है वो हमारे पैसे दे देगी पोटेंशियल इन्वेस्टर पोटेंशियल का मतलब होता है जिन्होंने अभी इन्वेस्ट करने के लिए सोचा है जो इन्वेस्टर हो सकते हैं हमारी कंपनी के एंड गवर्नमेंट एजेंसी क्योंकि गवर्नमेंट एजेंसी ने क्या करना होता है टैक्सेस लेने होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑन द अदर हैंड इसमली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज बाई पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होती हैं द मैनेजर रैदर देन फॉर यूज बाय पीपल आउटसाइड द मैनेजर रैदर देन फॉर जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है मैनेजर उसको यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज़ कंसर्न विद कलेक्शन डेटम डेटमिनिंग एंड कंट्रोलिंग कोस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस इज कॉल्ड कोस्ट अकाउंटिंग कोस्ट अकाउंटिंग क्या होती है कोस्ट अकाउंटिंग में किसी प्रोडक्ट के किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस के जाता उसकी उसी कोस्ट बताई देखी जाती है उसकी कोर्स को कम से कम लाने के लिए बहुत सारे मैथड ट्राई किए जाते हैं सर्विस को प्रोवाइड कई कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है तो वो ये भी देखती है कि सर्विस प्रोवाइड कराने में भी कम से कम कॉस्ट हो सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था अब नेक्स्ट वन है डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग की डेवलपमेंट द अकाउंटिंग सिस्टम विच वी फाइंड टूडे हैव डेवलप्ड जो अकाउंटिंग सिस्टम है विच वी फाइंड टूडे जो आज हम मिल रहे हैं हैव डेवलप्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आज जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो, वो बहुत डेवलप्ड है क्यों डेवलप्ड है क्योंकि ट्रेड कॉमर्स और इंडस्ट्रीज डेवलप्ड है ठीक है क्योंकि डेवलपमेंट हुई है इकोनॉमिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुई है ट्रेड में हुई है ट्रेड क्या हो गया है पहले लिमिटेड एरिया तक था अब हम क्या कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं कॉमर्स इंडस्ट्री की वजह से इन अर्लियर डेज द बिजनेस वॉज सिंपल एंडरटनेक्शन वर्फ फ्यू अर्लियर डेज में क्या होता था इन पास्ट मतलब बिजनेस सिंपल होते थे ठीक है और ट्रांजेक्शन्स होती थी फ्यू मतलब बहुत कम द बिज़नेस मैन यूज टू रिमेंबर द ट्रांजेक्शन बाय मेमोराइजिंग दम जो बिजनेस मैन क्या करते थे किसी भी ट्रांजेक्शन को लर्न करना हो रिमेंबर करना हो याद रखना हो तो बस उसको हर <coughs> ट्रांजेक्शन को माइंड में सेट कर लेते थे लेकिन mm. अब क्या होता है कोई भी माइंड में नहीं रखता mm. उसके लिए अब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कंप्यूटर यूज़ करते हैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोलेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया रिजल्ट इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड वाइडिंग ऑफ मार्केट जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोलेशन आया तो इसका क्या रिजल्ट हुआ लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो गया क्या हुआ लार्ज स्केल मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ वाइडनिंग ऑफ मार्केट और मार्किट भी बढ़ गई जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मार्केट भी बढ़ी विद द इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटी जैसे ही बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज हुई द बिजनेस मैन वर एक्सपेक्टेड टू कीप अ ट्रैक ऑफ देयर रिलेशनशिप विद आउटसाइडर जैसे बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज हुई तो बिजनेस मैन ने क्या एक्सपेक्ट किया टू कीप अ ट्रैक ऑफ देर रिलेशनशिप विद आउटसाइडर तो उन्होंने अपने मतलब आउटसाइडर के साथ अपने रिलेशनशिप मैंटेन करने की कोशिश की ठीक है एंड टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ देर एसेट एंड लाइबिटी और अपनी एसेट एंड लाइबिटी का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया एसेट्स क्या होती है हमारी संपत्ति लाइबिटी होती है एक तरफ तो से हमारे ऊपर जो हमने पे करना होता है ठीक है द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैव ऑल्सो ब्रॉट अ चेंज फील्ड ऑफ अकाउंटिंग जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए अकाउंटिंग फील्ड में बहुत सारे प्लानिंग एंड कंट्रोल द अकाउंटिंग सिस्टम आर बिलीव टू हैव एग्जिस्ट एज अर्ली एज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी सी इन द एशियंट सिविलाईजेशन ऑफ बेबिलोनिया एंड एसरिया ठीक है, डबल इसमें क्या था जो अकाउंटिंग सिस्टम बिलीव किया कि इतने साल पुराना है, और इटली इन थर्टीन फोर्टी ठीक है तो इसमें क्या किया डबल एंट्री सिस्टम प्रोपाउंड किया गया मतलब उसको सर्च किया गया

अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द कलेक्शन रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट एंड आउटसाइड एजेंसी सच एज शेयर होल्डर क्रेडिटर बैंकर एंड गवर्नमेंट, ठीक है अकाउंटिंग अकाउंटिंग में क्या इन्वॉल्व होता है कलेक्शन करना डाटा की उसको रिकॉर्ड करना फिर उसको क्लासिफाई करना कि कौन सा मॉनेटरी फॉर्म है कौन सा नॉन मॉनेटरी फॉर्म है फिर उसको प्रेजेंट करना ठीक है मॉनेटरी डाटा को अलग प्रेजेंट करना नॉन मॉनेटरी को अलग प्रेजेंट करना ताकि मैनेजमेंट को भी और आउटसाइड एजेंसी जैसे शेयर होल्डर को क्रेडिटर को बैंक को गवर्नमेंट को बेनिफिट हो सके द प्रोसि प्रोसीडर ऑफ

एक प्रोवाइडिंग ए मीन्स बाय विच एन एंटरप्राइज कैन बी कंडक्टेड जिससे एक एंटरप्राइज एक ऑर्डरली फैशन मतलब कि एक रूल के अकॉर्डिंग एक डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग चल सके एस्टेब्लिश अ बेसिस फॉर रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एंटरप्राइज और जिससे एक एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन पता लग सके एंड द रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन उसके ऑपरेशन का रिजल्ट पता लगे कि हम प्रॉफिट अर्न करें लॉस अर्न करें अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विद द पर्पज ऑफ मैनेजिंग द कंसर्न इन अ बेटर वे अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग क्या होता है अकाउंटिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है किस परपज है विद द परपज ऑफ मैनेजिंग द कंसर्न कंसर्न को मैनेज करना है इन अ बेटर वे एंड ऑल्सो रिपोर्टिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑपरेशन ताकि ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन पता लगे ऑपरेशन की कि किसी काम से प्रॉफिट हुआ है या लॉस है अकॉर्डिंग टू द कमेटी ऑफ टर्मिनोलॉजी ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स ठीक है एक कमेटी के अकॉर्डिंग जो अमेरिका की है इज इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट या अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करना क्लासीफाइंग करना समराइजिंग करना इन ए सिग्निफिकेंट मैनर सिग्निफिकेंट मैनर मतलब बहुत एक अलग तरह के मैनर में एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स किस टर्म में मनी की टर्म में ट्रांजेक्शन की टर्म में इवेंट्स के ने पार्ट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ देर कि उसको उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जो मनी की फॉर्म में हो जिससे जिसको हम इंटरप्रेट कर सकें और रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकें द ट्रांजेक्शन विच आर मेजरेबल इन मोनिट्री टर्म ओनली फॉर्म अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन देखो द ट्रांजेक्शन विच आर मेजरेबल इन मोनिट्री टर्म जो ट्रांजेक्शन मोनिट्री टर्म में फाइंड आउट की जा सकती है उसको वो किसका पार्ट होती है अकाउंटिंग का ठीक है द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज़ डन इन सच अ वे दैट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज पॉसिबल उसने बोला कि अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन इस वे में करनी चाहिए जैसे भी को कोई भी चीज़ परचेज किया लाइक टू चेयर्स परचेज़ किए तो टू चेयर्स का प्राइस क्या है उसको मॉनिट्री फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम इजीली एनालिसिस कर सकेंगे और इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे बिजनेस एक्टिविटी का मतलब तो अकाउंटिंग में ओवरऑल वो टर्म आती हैं जो मोनिट्री फॉर्म में हो ठीक है और अकाउंटिंग में क्या किया जाता है हर टर्म को इंटरप्रेट किया जाता है ताकि एंड में हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सके देखो कुछ ऑथर्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट ऑफ फ्रेमलीफर फाइनेंशियल करैक्टर अकाउंटिंग के एक साइंस है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है और क्लासीफाई किया जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को इवेंट को फाइनेंशियल करैक्टर को जो फाइनेंशियल करैक्टर की है एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंस और साइंस तो है फाइनेंशियल करैक्टर को रिकॉर्ड करने की ठीक है और आर्ट क्या है मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज़ एनालिसिस एंड इंटरप्रटेशन ऑफ दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द पर्सन हु मस्ट मेक डिसीजन और फॉर्म जजमेंट मतलब और क्या एक आर्ट है जिसमें हम इसको एनालि एनालाइज करते समराइज़ करते इंटरप्रटेशन करते ट्रांजेक्शन को ताकि क्या हो जिसको इस रिजल्ट की नीड है उसे उसे वो रिज़ल्ट मिल सके एक्ोरेट और हम क्या कर सकें जजमेंट कर सकें दिस डेफिनेशन एम्पेसाइज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिसीज़न मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग जो ये डेफिनेशन है वो एम्पोसाइज करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग ठीक है द वर्ड अकाउंटिंग कैन बी क्लासीफाइड इन थ्री कैटेगरी जो वर्ड अकाउंटिंग है वो थ्री कैटेगरी में क्या है क्लासीफाइड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब हमें हमने अभी तक तो मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ी अकाउंटिंग की उसके पास्ट के बारे में पढ़ा है अब हम क्या पढ़ेंगे अलग अलग फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है कोस्ट अकाउंटिंग क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक साइंस है जिसमें और एक आर्ट है जिसमें रिकॉर्ड किया, किया, किया जाता है क्लासिफाई किया जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन को और प्रिपेयरिंग समराइज ऑफ द सेम ऑफ डाटा माइनिंग ईयर एंड प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न पहले उस ट्रांजेक्शन को ऐड किया जाता है ठीक है उसके बाद क्या क्या समराइज करके ईयर एंडिंग में प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के थ्रू फाइनेंशियल पोजिशन एक कंसर्न की फाइंड आउट की जाती है इट इज़ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ इम्प्लॉयड टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉमेशन ऑफ ए बिज़नेस यूनियन ये एक पार्ट अकाउंटिंग का जो इसलिए इम्प्लॉय किया जाता है बिज़नेस में ताकि फाइनेंशियल पोजिशन एक कंपनी की पता लग जाए द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ टू फाइंड आउट द प्रोफिटेबिल्टी ऑब्जेक्ट क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फाइंड आउट करना प्रोफिटेबलिटी एंड टू प्रोवाइड इन्फॉमेशन अबाउट अ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न ताकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन हमें पता लग जाए टू प्रिंसिपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट टू प्रिंसिपल स्टेटमेंट कौन सी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिंसिपल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियलियकाउंटिंग आर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम जो हमें मिल रही है एक्सपेंडिचर जो हमारे खर्चे हैं स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ठीक है बैलेंस शीट हमें एसेट एंड लाइबिलिटी बताती है कंपनी के पास कितनी एसेट है कितनी संपत्ति और कितना उसका दायित्व है द इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाई जाती है जैसे एक ईयर के लिए आ ओल रिवेन्यू ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दैट पीरियड आर इंक्लूडिंग इन दिस स्टेटमेंट जो रिवेन्यू ट्रांजेक्शन होते हैं रिवेन्यू जो हमें पैसा मिला है किसी भी एक्टिविटी से आ, वो इंक्लूड हो जाती है पर्टिकुलर पीरियड की स्टेटमेंट में विद द व्यू टू डेटरमाइन द प्रोफिटबलिटी ऑफ द कंसर्न ताकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पता लगे द बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड इट डेटरमाइन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न जो बैलेंस शीट होती है वो पर्टिकुलर डेट पर बनाई जाती है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या किया जाता है पूरे ईयर का बनाया जाता है और बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाते है जिसका मेन पर्पज़ क्या होता है कंसर्न में इट डाटम आइड द फाइनेंशियल पोजिशन जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन बताते हैं कंपनी के पास कितनी एसेट है और कितनी लाइबिटी है ठीक है आज हमारा जो कंसेप्ट हुए हैं आज हमने जो टॉपिक किया है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग कहाँ से डेवलपमेंट हुई मीनिंग है अकाउंटिंग का एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ठीक है आज आज हम इतना ही पढ़ेंगे आप कोई भी प्रॉब्लम आती है तो देन आस्क मी थैंक यू हैव अ नाइस डे